Hello students, this is again CA Romil Jain sir on my YouTube channel Commerce Lifeline. और ये वीडियो मैं मेनली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं एंड यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू अ नेक्स्ट स्टेप. ठीक है ना, तुम्हारा स्कूल लाइफ अब लगभग एंड हो गया है एंड अब आपके सामने अगेन एक नेक्स्ट गोल है कि हमको करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है. तो एक गाइडेंस वीडियो है 12th क्लास के अंदर कि तुम लोग कैसे आगे प्रोसीड करो, हाउ यू शुड मूव इन योर करियर, क्या क्या करना है तुम लोगों को. तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना, मैंने इसके अंदर तुमको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहा हूँ प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज भी तुमको इसके अंदर शेयर करूंगा. ठीक है ना, अब आपका क्लास 12th वंस यू हैव कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, मैं काफी बार अभी बच्चे मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं सर 12th क्लास के बाद क्या करें, क्योंकि सिंस हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो बच्चों को ये आईडिया नहीं लगता कि हमको कैसे क्या आगे बढ़ना है. कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम सीए करना चाहते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं हम सीएस करना चाहते हैं, कुछ क्लैट की तरफ भी जा रहे हैं, सम आर हैविंग ऑप्शंस ऑफ बीबीए, कुछ का ऑप्शंस है बीकॉम. तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है दिमाग के अंदर. ठीक है ना, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं. देखो आप है ना, यू शुड कीप योर विजन क्लियर. ठीक है ना, आपको क्या करना है, मतलब यू कैन नॉट, मैं ये चीज हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं, कभी मैं करियर गाइडेंस का या कहीं सेमिनार लेता हूं, कि आप कभी भी कोई करियर को चूज करें यू डोंट शुड बी गाइड बाय योर फ्रेंड. आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपका फ्रेंड अगर होटल मैनेजमेंट जा रहा है तो आप भी सोचते हो होटल मैनेजमेंट की तरफ चला जाए, आपका फ्रेंड अगर कहीं और जा रहा है तो आपको इच्छा होती है हम कहीं और चले जाए. ठीक है ना, आप अपना विजन क्लियर रखो, हमको करना क्या है. ठीक है, आप अगर आप ऐसा समझो इफ यू आर सेलिंग in an ocean, आप किसी ocean में जा रहे हो और आप ऐसी नाव में हो जिसको पता ही नहीं आपको नाव को चलाना कहाँ है, तो आप कभी success हो ही नहीं पाओगे. ठीक है ना, तो सबसे पहले decide your interest in which field you want to go. ठीक है, अब इस बात में मैं तुमको एक चीज बताता हूं. अभी मैं काफी स्टूडेंट से मिलता हूं जो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको सीए करना है. ठीक है ना, बट हमको ये लगता है कि ये बहुत टफ है. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो टफ हर चीज टफ है, आप ऐसा कुछ सोचो ही मत कि कुछ भी इजी, और मैं कहता हूं हर चीज इजी है. सीए टफ है, हो सकता है सीए बहुत इजी भी है किसी बच्चे के लिए. आप उसको अभी से प्रोजेक्ट कर लेते हो कि सर ये इतना टफ है हम नहीं कर पाएंगे, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग हैबिट टू यू. ठीक है ना, हाँ लेकिन उसको करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, दैट वी कैन गाइड यू. ठीक है, मेहनत आपको हर फील्ड में करनी है. कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर हमारा पढ़ने का तो मन है लेकिन हमको पता है हमसे पढ़ाई होती नहीं है. ठीक है ना, आज से हमने ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सीए के अंदर 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, सीए के अंदर 20 घंटे पढ़ना पड़ता है. गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि 15 घंटे 20 घंटे पढ़ना हो. ठीक है ना, द मोमेंट जिस टाइम आपकी डिग्री आपके पास में, कोई आपको बोलेगा नहीं कि 15-20 घंटे पढ़ो, आपका मन का खुद का इंस्पिरेशन आ जाएगा हमको 15-20 घंटे पढ़ना है. आप अभी से वो चीज प्रोजेक्ट कर रहे हो जो आज से 4 साल 5 साल बाद होने वाली है. ठीक है ना, तो इसलिए व्हाटएवर यू विश. आज मैं तुमको एक बात बताता हूं, आप कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हम होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं क्योंकि सीए में पढ़ाई बहुत है, तो मेरे को बताओ वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको. दुनिया में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां मेहनत नहीं करना पड़े. ठीक है ना, अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको ही मेहनत करनी है, अगर मैं हूं तो मेरे को ही मेहनत करनी है, अगर एक स्टूडेंट है उसको ही मेहनत करनी है, और तुम्हारे पेरेंट्स उनको ही मेहनत करनी है. ठीक है ना, सर्वाइवल के लिए एवरी पर्सन हैव टू मेक वन एफर्ट. हम एक जंगल के अंदर देखते हैं सुबह सुबह अगर एक हिरण उठता है तो हिरण भागता है दिन भर अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है ना, शेर उसके पीछे भागता है अपना पेट भरने के लिए, शिकारी शेर को ढूंढता है शिकार करने के लिए. ठीक है ना, तो गाइज मेहनत तो आपको हमेशा करनी है. और मैं आपको ये भी नहीं बोलता हूं कि once you complete your CA आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा. उसके बाद भी आपको अपना regular development करना ही पड़ेगा. आप degree complete कर लो और degree complete होते आपको अगले दिन 50 लाख का package मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है ना, आप जब तक अपने आप को शेप नहीं करोगे, अपने आप को प्रॉपर वे में एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आप करियर में बिल्ड नहीं कर सकते हो. कोई भी करियर चूज करो, मैं बोलता हूं अगर आपको लगता है मैं पोए अच्छे बना सकता हूं, आप एक नाश्ते का स्टॉल खोलो. ठीक है ना, और वहां भी आप अच्छे से काम करोगे वहां पर भी ग्रोथ कर सकते हो. तो आप जब भी कोई करियर को चूज करो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो, एनी फील्ड विच यू चूज वो आपका पैशन होना चाहिए, देन ओनली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा. हाँ लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आपको गाइडेंस करना कैसे, आपको आगे बढ़ना कैसे है. तो मैं मेन एजुकेशनल के ऊपर बना रहा हूं वीडियो जिसमें मैं मेरे कुछ कॉमर्स के कोर्सेज हैं, क्योंकि 12th वाले स्टूडेंट के आगे जाके कुछ उनको कोर्सेज परस्यू करने हैं, विच मे बी सम प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए सीएस सीडब्ल्यूए और सम कोर्सेज लाइक क्लैट, और कुछ बच्चे अलग अलग कॉलेजेस का माइंड मेकअप कर रहे हैं. ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, मैंने अभी आपको बताया आप अपना गोल क्लियर रखो. ठीक है ना, अब अगर आपका गोल है कि सर मेरे को 12th के परसेंटेज के बाद बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है. ठीक है ना, आई वांट टू डू ग्रेजुएशन फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज एंड अलोंग दैट आई आल्सो वांट टू परस्यू सीए. ठीक है ना, तो यहां मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता हूं. देखो अगर आपने अपना टारगेट सीए सेट किया है, ठीक है ना,
तो गाइज अगर आपका गोल है कि मेरे को बाद में सीए के साथ में मेरे को बीकॉम करना है और बीकॉम भी मेरे को बहुत अच्छे कॉलेज से करना है, मैं यहाँ सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो आप अगर ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट हो जिसने अभी अपना क्लास ट्वेल्थ पास किया है तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हम बीकॉम करें बीबीएम करें बीबीए करें, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तुम रखना बीकॉम का, ठीक है ना, डोंट गो फॉर बीबीए, ठीक है, क्योंकि बीबीए का एक रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन है कि आप सिर्फ एमबीए के अंदर जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप सबसे पहला प्रायोरिटी रखना इधर बीकॉम का और बीकॉम ऑनर्स का। सेकंड, अगर आप ये सोचते हो कि हमको बीकॉम करना और वी वांट टू डू बीकॉम फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज, ठीक है ना, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ट्वेल्थ के परसेंटेज पे, ठीक है ना। तो अगर आपका अगर ट्वेल्थ का परसेंटेज, मैं आपको एक चीज बताता हूं एंड सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना, अगर आपका ट्वेल्थ का परसेंटेज 96-97% ऊपर आता है तो डेफिनेटली ट्राई फॉर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दैट इज अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहां अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गाइस बीकॉम और बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स उस कॉलेज से डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं, ठीक है ना। बट अगर आपका परसेंट उससे नीचे आता है एंड अलोंग दैट इफ यू वांट टू परस्यू सीए, तो आप एक चीज खुद समझ लो, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से बीकॉम करते हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली बात है वहां आपको रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ेगी, मतलब यू नीड टू गो कॉलेज एवरी डे, ठीक है ना। और क्योंकि सीए हो गया सीएस हो गया इसके लिए भी आपको रेगुलर क्लासेस के लिए टाइम स्पेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को बीकॉम के साथ में सीए करना है तो बीकॉम अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से करते हो और बाद में अगर आप सोचते हो मैं सीए क्लासेस भी कर लूंगा तो ये दोनों पैरेलल गोल है, ठीक है ना। इन दोनों पैरेलल गोल को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां मैं सजेस्ट करता हूं अगर आपका गोल है यू वांट टू परस्यू सीए, देन बीकॉम को आप प्राइवेट करो एंड वंस यू कंप्लीट योर बीकॉम आप सीए कंप्लीट करने के बाद में ट्राई टू डू एमबीए फ्रॉम वेरी गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा अगर आपका टारगेट सीए है। अगर आपका टारगेट है सर हमको सीए नहीं करना है वी वांट टू डू एमबीए, तो यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फिर आप बीकॉम बहुत अच्छे कॉलेज से करो, यू गो फॉर अ बीकॉम बीकॉम ऑनर्स आप ऐसे कॉलेज से करो जहां आपको अच्छा स्पेशलाइजेशन मिले एंड देन ट्राई फॉर कैट का एग्जाम होगा, कैट के एग्जाम को फाइट करें एंड ट्राई फॉर एमबीए अगेन, ठीक है ना। लेकिन अगेन मैं यहां पे तुमको एक बात बताता हूं, ट्वेल्थ के बाद में आप कैट एग्जाम एलिजिबल होगे व्हेन यू वर इन थर्ड ईयर, आप जब थर्ड ईयर में जाओगे ना देन यू विल बी एलिजिबल टू फाइट द एग्जाम ऑफ कैट। तो तुम लोग 3 साल करोगे क्या, ठीक है ना, आप 3 साल प्लेन बीकॉम करके तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो यहां ये एडवाइजेबल चीज है कि पैरेलल आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, इट कैन बी सीए इट कैन बी सीएस इट कैन बी सीडब्ल्यूए, वो कर लेना चाहिए ताकि जब तक तुम्हारा बीकॉम का एग्जाम खत्म हो तुम्हारे हाथ में इनमें से एक ना एक डिग्री तो आ ही जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं, एक और क्वेश्चन है जो काफी बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं क्लैट को लेकर, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है ना। देखो क्लैट मैं आपको एक चीज अभी बता रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोर्स की जानकारी हो तब तक आपको जब तक कोर्स की जानकारी नहीं है उसमें स्टेप मत करना, ठीक है ना। मैं क्लैट जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से बोल देता हूं, आपका मैथ्स और इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्लैट में मैथ्स और इंग्लिश इज अ वेरी हाई लेवल, ठीक है ना। आपका अगर 12th 11th 12th में मैथ्स नहीं है एंड यू आर प्लानिंग टू डू क्लैट तो इट इज नॉट पॉसिबल, आप बहुत रेयर स्टूडेंट हो सकते हैं बट एक जनरल ट्रेंड देखा गया है अनलेस एंड अनटिल आपके पास अच्छा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है आप क्लैट एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ, अब यहां बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम सीए फाउंडेशन कैसे करें वहां भी तो मैथ्स है, तो मैं यहां तुमको एक चीज बताऊं, देखो सीए फाउंडेशन के अंदर जो मैथ्स है दैट इज विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, वहां मैथ्स बहुत ज्यादा टफ मैथ्स नहीं है, एक नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट वो मैथ्स कर सकता है, उसके बाद आपको कहीं भी मैथ्स मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप सीए करना चाहते हैं तो मैथ्स अगर आपके पास 11 12th में नहीं भी है देन स्टिल यू कैन गो फॉर दैट डिग्री, ठीक है ना। इसके अलावा यू हैव अगेन अनदर गुड ऑप्शन लाइक सीएस व्हिच इज अ वेरी गुड ग्रोइंग प्रोफेशन राइट नाउ, और कंपनी सेक्रेटरी का एवरी लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट लॉ के अंदर है, ठीक है ना, तो यू कैन गो फॉर सीएस अलोंग विद एलएलबी। आपका इंटरेस्ट थोड़ा कॉस्टिंग पार्ट में है मैनेजमेंट पार्ट में है तो सीडब्ल्यू इज अगेन अ गुड ऑप्शन, जिसके ये दो ऐसी डिग्री है सीएस और सीडब्ल्यू जो आप थर्ड ईयर के साथ साथ कंप्लीट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर एमबीए। और अगर एमबीए सीए के साथ करना है तो मेरा सजेशन है एक बार सीए पे फोकस करो, ग्रेजुएशन प्राइवेट करो और फिर एमबीए किसी कॉरेस्पॉन्डेंस या किसी अच्छे कॉलेज से करना, ठीक है ना। मतलब डोंट प्लान टू गोल साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, आप दो नावों पे एक साथ सवार नहीं हो, आप बीकॉम बहुत अच्छे कॉलेज और साथ में सीए ये दोनों एक अलग अलग टास्क है, दोनों अपोजिट चीज है कि दोनों के लिए आपको अच्छी क्लासेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इफ यू आर प्लानिंग टू डू अ बीकॉम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज ड्रॉप द आइडिया ऑफ सीए, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गुड
do a CA, then drop the idea of very good college. ठीक है ना? बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि CA बहुत tough है, CA कुछ नहीं, CA नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं तुम्हारे सामने एक live example हूँ. 12th, 11th, 12th के percentage कोई matter नहीं करते हैं. अगर आपके अंदर dedication है, अगर आपके अंदर spirit है, तो definite सी बात है आप CA कर सकते हो. और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा ऐसी कंपनी चूज करो जो आपको पॉजिटिविटी मोटिवेट करे. अगर आप ऐसे लोगों का साथ दोगे ना जो आपको बोलेंगे नहीं यार हम नहीं कर सकते, आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी. लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, आप ऐसे लोगों को ऐसी कंपनी चूज करो. आज जैसे मान लो मैं CA हूं, ठीक है ना, तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं themselves are chartered accountant, क्योंकि उनके साथ मेरा ट्यूनिंग बैठ जाता है. ठीक है ना? तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों को सिलेक्ट करो रेदर देन सिलेक्टिंग नेगेटिव थिंग्स. ठीक है ना? एंड रिमेंबर द टाइम इज योर करेंसी. आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलो, क्योंकि जितना आप टाइमली डिग्री कंप्लीट करोगे उतना आपको ज्यादा अच्छे से रहेगा. ठीक है ना? तो गाइस होप करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.